आयुर्वेद समाधान को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम एक ऐसे औषधीय फल की बात करेंगे जिसमें मौजूद पोषक तत्व आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। हम बात कर रहे हैं सीताफल की। सीताफल के औषधीय गुणों के कारण शायद ही शरीर का कोई हिस्सा ऐसा बचता हो जिसे ये लाभ नहीं पहुंचाता हो, लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने से कुछ मामूली नुकसान भी हो सकते हैं। लेकिन यदि इतिहास की बात करें तो सीताफल के फायदे नुकसान से लाखों गुना अधिक हैं। आइए आज के वीडियो में हम जानते हैं सीताफल के फायदे और किस तरह ये हमारे शरीर को लाभ पहुंचाता है। सबसे पहले बात करेंगे मधुमेह के लिए। फाइबर शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक घटकों में से एक है, जो कि सीताफल में काफी अच्छी मात्रा में मौजूद रहता है। आहार फाइबर हमारे शरीर में चीनी के अवशोषण को धीमा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मधुमेह टाइप 2 के खतरे को कम करने में मदद करता है। अध्ययन बताते हैं कि शरीर को नियमित रूप से प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इस तरह से फाइबर और कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा प्राप्त करने के लिए सीताफल का उपयोग किया जाता है। ये मौसमी फल है, इसका नियमित सेवन करने से मधुमेह की संभावनाओं को कम करने में बेहद मदद मिलती है। इसलिए जिन लोगों को मधुमेह है वो कस्टर्ड एप्पल यानी कि सीताफल खाना शुरू कर दें। अगला है कि दिल को स्वस्थ रखता है। दोस्तों, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सीताफल का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि सीताफल में ऐसे बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हृदय को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। सीताफल में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो कि हृदय की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और तंत्रिका तंत्र को आराम करने में मदद करते हैं। इस कारण दिल के दौरे और स्ट्रोक की संभावनाओं को कम किया जा सकता है। इसके अलावा सीताफल में फाइबर, विटामिन B3, विटामिन B6 और अन्य पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं, जो हमारे रक्त में होमोसिस्टीन, जो कि एक एमिनो एसिड होता है, उसके स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। पर्याप्त मात्रा में सीताफल का सेवन करने से अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। अगला है, उच्च रक्तचाप को कम करे। गलत खान पान और उच्च रक्तचाप के कारण हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आम होती है। उच्च रक्तचाप शरीर के लिए बहुत ही गंभीर समस्या हो सकती है, लेकिन सीताफल इस समस्या का समाधान करने में आपकी मदद कर सकता है। सीताफल में केले की अपेक्षा पोटेशियम की अधिक मात्रा होती है। पोटेशियम दिल को स्वस्थ रखने में मदद करता है। हृदय के स्वस्थ रहने से आपके शरीर में रक्त का प्रवाह संतुलित रहता है, जिसके कारण आपके रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। यदि आप उच्च रक्तचाप की समस्या से परेशान हैं, तो सीताफल का उपयोग कर सकते हैं। अगला है, कोलेस्ट्रॉल को कम करें। हमारे शरीर के लिए कोलेस्ट्रॉल अच्छा होता है, लेकिन अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल शरीर को नुकसान पहुंचाता है। गलत खान पान और अनियंत्रित जीवन शैली के कारण हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक प्रमुख कारण विटामिन B3 की कमी होना भी है। लेकिन यदि सीताफल का उचित मात्रा में सेवन किया जाता है, तो इसमें मौजूद नियासिन खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को 20% तक कम कर सकता है। इसके साथ ही हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारी धमनियों को सुरक्षा प्रदान करता है। धमनियों का प्रमुख काम रक्त को शरीर के सभी हिस्सों तक और वहां से वापस हृदय तक लाना होता है। अगला है, एनीमिया को रोके। जो लोग एनीमिया की बीमारी से पीड़ित हैं, वे इस समस्या का उपचार करने के लिए सीताफल का सेवन कर सकते हैं। ये बीमारी शरीर में आयरन की कमी के कारण होती है। एनीमिया के लक्षणों में चक्कर आना, थकान आदि हो सकते हैं, लेकिन सीताफल में मौजूद आयरन की अच्छी मात्रा एनीमिया के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। साथ ही इसमें मौजूद अन्य पोषक तत्व की गुणवत्ता को सुधारने और शरीर में रक्त उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये फायदे हमने आपको बताए, इसलिए अगर इनको आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सीताफल खाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।